ब्रेकिंग न्यूज, मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के सीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। सीओ की पत्नी और बेटे की भी मौत की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि मणिपुर हमले में शहीद वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी जी और आशा त्रिपाठी जी के बड़े बेटे कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी एवं पुत्र शहीद हो गए हैं। माओवादियों का यह हमला बताया जा रहा है। हमले का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। असम राइफल्स के जवान थे सीओ विप्लव त्रिपाठी। सीओ विप्लव त्रिपाठी के साथ साथ उनकी पत्नी और उनके बच्चे की भी मौत हो चुकी है। वहीं भाजपा के पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ परिवार के लिए शोक जाहिर किया है। वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल के साथ साथ राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस मामले पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है।